हेलो दोस्तों, प्यार से बुलाया शिवमाया। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले शक्तिमान के बारे में कि जो शक्तिमान आज इतना पॉपुलर है जिसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको कि ये कितना पॉपुलर है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जबकि कोई इसके ऊपर पैसे नहीं लगाना चाहता, तो किसी भी प्रोड्यूसर ने इसे हरी झंडी नहीं दिखाई। सब ने कहा कि ये फ्लॉक हो जाएगा, बकवास है, ये कचड़ा है, ऐसे कह कह के इसकी बहुत बेइज्जती की गई। लेकिन जैसे ये बना सुपरहिट, तो दोस्तों हम जानेंगे कि कैसे शक्तिमान को बनाने के लिए किसी ने भी हरी झंडी नहीं दिखाई, कैसे शक्तिमान को बनाने के लिए इसके प्रोड्यूसर को लेना पड़ा लोन, और कैसे बना इस सीरीज का जो एक्टर, मतलब कि जिसने शक्तिमान का रोल निभाया, वो कैसे बने शक्तिमान के प्रोड्यूसर, तो जानते हैं इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी प्रवचन के शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज में जिन्होंने शक्तिमान का रोल निभाया, मतलब कि शक्तिमान में जिन्होंने शक्तिमान का भूमिका निभाया है, उनका नाम है मुकेश खन्ना। जी हाँ दोस्तों, हम इन्हें सर कहते हैं, मुकेश खन्ना सर। इन्होंने शक्तिमान बनाया क्योंकि इन्होंने देखा कि यार बहुत सारे विदेशी सुपर हीरो हैं, स्पाइडर मैन है, अल्ट्रा मैन है, फलाना मैन है, लेकिन कोई भी इंडियन सुपर हीरो नहीं है। तो ये कमी इनको खल रही थी, तो इन्होंने सोचा कि हमें खुद का इंडियन सुपर हीरो बनाते। तो इन्होंने शक्तिमान का कॉन्सेप्ट बनाया, उसके बाद इन्होंने सोचा कि उसके बाद फिल्म बनेगी। लेकिन बाद में जो वो कॉन्सेप्ट रखा हुआ था, फिर उन्होंने इसे उठाया और दोबारा से रिफ्रेश किया, और उसके बाद इसके ऊपर सीरियल बनाया। लेकिन इसके लिए उन्होंने फाइनेंसर ढूंढना शुरू किया, मतलब कि वो प्रोड्यूसर होते हैं जो कि पैसा लगाते हैं, तो प्रोड्यूसर ढूंढने की कोशिश की। लेकिन किसी भी प्रोड्यूसर ने इसके लिए हरी झंडी नहीं दिखाई क्योंकि इस शो में पैसे बहुत ज़्यादा लगने वाले थे, और किसी को भी ये आइडिया समझ में नहीं आ रहा था कि यार इंडिया में सुपर हीरो की क्या ज़रूरत है जब बाहरी सुपर हीरो फेमस है। तो ये सोच थी उन लोगों की। तो उसके बाद इन्होंने तो ठान लिया कि मुझे तो सुपर हीरो शो बनाना ही बनाना है, मुझे तो शक्तिमान बनाना ही बनाना है। तो उसके बाद इन्होंने ये किया कि इन्होंने अपने किसी एक दोस्त से लोन ले लिया, मतलब पैसे ले लिए उधार, क्योंकि इनके पास भी पैसे नहीं थे, मतलब कि हमारे मुकेश खन्ना सर के पास भी पैसे नहीं थे। लेकिन इन्होंने किसी से पैसे अरेंज किए, इधर उधर अपने दोस्तों से लेके पैसे अरेंज किए, और उसके बाद इन्होंने शक्तिमान को बनाया, और ऐसे ये बन गए शक्तिमान के प्रोड्यूसर। मतलब कि पहले ये शक्तिमान के एक्टर थे, लेकिन बाद में ये शक्तिमान के एक्टर और प्रोड्यूसर दोनों बन गए। तो ऐसे इन्होंने शक्तिमान बनाया, और शक्तिमान बनते ही सुपर हिट। और ये कितना ज़्यादा पॉपुलर है, कितना ज़्यादा हिट है, ये मुझे आपको बताने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों ये जान के आपको कैसा लगा कि कैसे मुकेश खन्ना सर बने शक्तिमान के प्रोड्यूसर, और कैसे बचाया शक्तिमान ने ही शक्तिमान को। तो असली शक्तिमान तो हमारे मुकेश खन्ना सर हैं, जिन्होंने हमें एक ऐसा सुपर इंडियन सुपर हीरो दिया जिससे हम आज भी भूल नहीं पाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल कीजिए सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब करो फिर वीडियो देखो। तो बस बाय बाय।